हेलो एवरीवन वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर माई सेल्फ सोमनाथ बलीचा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड अ इलेवेंथ स्टैंडर्ड चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन एंड मूवमेंट ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन को लेकर बात की थी और हम लोगों ने ये भी देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था ओके लाइक वी है टॉक्ट अबाउट द थिन मायोसिन थिक मायोसिन ओके मतलब एक्चुअली थिक मायोफिलामेंट थिन मायोफिलामेंट कहने का मतलब ये था हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे ओके okay? एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था जैसे कि अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली थी एम ए राइट ओके मतलब डेट टू जेड लाइन्स वी हैड डिस्कस्ड there are two z lines and then there is a myosin filament you can see over here aur uske upar ab hum log dekh rahe hain actin filament present hai okay and the space between the two z lines are called as a sarcomere isko hum log kehte hain unit of contractile uh, ye unit of contraction kehte hain right और फिर A band I band क्या होता है ये भी हम लोगों ने देखा था इसके साथ में आ, एक और बात की थी हम लोगों ने edge band को लेके जिसको हम लोग कहते हैं Hensen's band करके name of the scientist इतनी सारी बातें समझने के बाद आज का जो लेक्चर है हमारा हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि ये मायोसिन फिलामेंट एक्चुअली दिखता कैसा है और ये एक्टिन फिलामेंट जो होता है ये दिखता कैसा है और ये दोनों आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं ओके तब जाके हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले आपको ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है

प्रोटीनियस uh, फाइबर बोल सकते हो आप लोग ठीक है और जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मायो में, okay? इसके साथ साथ आपको और दो प्रोटीन के बारे में जानना होता है डेट इज कॉल्ड इज ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन ठीक है तो चलो अभी आपको ओवरऑल एक सिनेरियो बता देता हूं मायोसिन एक्टिन ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जब ये आपस में साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं तब जाके हम लोग इसको क्या कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहते हैं ठीक है तो ये तो बेसिक सी बातें थी चलो अभी एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा है मायोसिन क्या आ रहा है मायोसिन टॉपिक चल रहा है तो ये जो हमारा पूरा बॉडी वेट जो होता है ना उसका 55 परसेंट बॉडी वेट जो है ये इसी का है ओके तो कंट्रीब्यूट 55 परसेंट ऑफ द मसल प्रोटीन बाय वेट इसके बाद मोनोमेरिक यूनिट होता है और इस मोनोमेरिक यूनिट को हम लोग कहते हैं मेरोडपोल जैसे कहने का मतलब ये है कि मानो ये ऐसे अगर टेल दिख रही है तो ये यहाँ पे हेड रहेगा और हेड जो है ये स्वेलिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसलिए अगर आप इसको देखोगे तो ये टेडपोल जैसे दिखता है इसलिए इसको ऐसा नाम दिया गया है ओके तो जो यूनिट होता है मायोसिन का जिसको कहते हैं मेरो मायोसिन इसका अपियरेंस जो होता है वो टैंट पोल जैसा होता है ठीक है और ये बना हुआ किस चीज का है मायोसिन जो है मेरो मायोसिन जो है ये किस चीज का बना हुआ है इट इज ऑफ टू आइडेंटिकल हेवी चेन्स जिसको हम लोग कहते हैं एच HMM. एम एम दो आइडेंटिकल हेवी चेन एच एम एम एंड टू आइडेंटिकल यू कैन से लाइट चेन जिसको हम लोग कहते हैं लाइट मेरोन एल एच एच ओके लाइट मेरो मायोसिन ये भी आपको नाम सॉरी ये एल एच एच नही है सॉरी 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 यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा गया है दिस इज एल एम एम मेरो मायोसिन है ना तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा एल एम एम ओके और यहाँ पे ये जो फोर लिखा हुआ है सॉरी दैट इज इज नॉट फोर इट अ टू ओके सो टू लाइट चेन एंड टू आइडेंटिकल हैवी है ऐसे स्ट्रक्चर मिल के मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं ओके okay? मतलब मेरो मायोसिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं मतलब इन शॉर्ट मायोसिन के पास दो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हेड रीजन एंड द टेल रीजन मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ जिसके कारण आपकी मेजोरिटी uh, जो डाउट्स अगर आपको क्रिएट हो रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर को देखो और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो सारी बातें इसी में जुड़ी हुई है देखो तो यू कैन सी ओवर हियर टू टेल स्ट्रक्चर्स यू कैन सी है ना जो कि आपस में हलीघली कॉइल्ड दिखते हैं तो ये जो होते हैं ओके? Okay? और इतने पार्ट को हम लोग क्या हैं? Tail part हैं। क्या कहते 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 हैं? हैं। हैं? और ये जो टेल पार्ट है आगे जाके जो heavy coiling दिख रही है मतलब लाइक स्ट्रक्चर uh, -like आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं हेड ओके विच इज मेड अपी मेरो मायोसिन ओके रो मायोसिन और हेड और टेल के बीच में एक छोटा सा एरिया रहता है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट आर्म स्ट्रक्चर यू कैन से सेक्ट लाइक अ नेक ऑल्सो ओके सो हेड नेक एंड द टेल रीजन ऐसे भी कह सकते हो आप लोग जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अभी बात करते हैं मायोसिन के हेड रीजन को लेके हेड जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हेड के ऊपर आप लोग अगर देखोगे एक्टिन बाइंडिंग साइट है क्या है यहाँ पे एक स्वेलिंग दिखाई है मतलब देखो ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सर्कल्स को ये सर्कल्स जो ऊपर वाले सर्कल्स हैं इनको क्या कहते हैं तो इनको कहते हैं एक्टिन मैं मतलब बता देता हूँ देखो अगर यहाँ पे है एक्टिन का स्ट्रक्चर ऊपर तो ठीक इसके नीचे होता है मायोसिन का स्ट्रक्चर तो ये हो गए हमारा मायोसिन का चलो इसको समझने के लिए मैं आगे स्वेलिंग दिखा देता हूँ सो so, ये जो स्वेलिंग्स है ये हमारे मायोसिन के हेड है ओके okay? समझ में आ रही है बात ये क्या है मायोसिन के हेड हैं और इनको जुड़ना होता है ये ऊपर जो एक्टिन है इसको मैं लेबल कर देता हूँ ए फॉर एक्टिन एंड दिस इज एम फॉर मायोसिन तो मायोसिन को एक्टिन के साइड बाइंडिंग करनी होती है तो ये जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ मानो ये, ये जो है एक्टिन के एक्टिव साइड से जिनके साथ मायोसिन को अटैच होना रहता है ठीक है जिनके साथ क्या होना रहता है मायोसिन को अटैच होना रहता है ठीक है तो मायोसिन के पास स्पेसिफिक रीजन से ओके okay, रीजन है जहां पे वो बाइंड करते हैं एक्टिन के साथ ठीक है ये बात आपको क्लियर हो गया अब ये जो बाइंडिंग होती है एक्टिन का माओसिन के, के साथ इसके लिए ना हमको एनर्जी की जरूरत होती है क्या जरूरत होती है मतलब मायोसिन को एनर्जी चाहिए होता है ये बात करने के लिए एक्टिन मायोसिन जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होता है तो हेड रीजन में ही हमारे पास क्या होता है हेड रीजन पे हमारे पास होता है एटीपी बाइंडिंग साइट और इसके अंदर ही एंजाइम होता है एटीपेस क्या एंजाइम होता है एटीपेस ओके एटीपेस दिस इज एन एंजाइम जो कि एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा मायोसिन को ताकि वो एक्टिन के एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड कर सके ठीक है अब यहाँ पे नीचे नोट दी गई है इस नोट को समझो हेड प्लस दिस शॉर्ट आर्म विल बी टूगेदर कॉल्ड एज अ क्रॉस आर्म ओके व्हाट इज द Cross arm, ये 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 जो 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 छोटा सा short arm जो मैंने neck बोला था यहां पे और और -like है जो head part है, है, कि दोनों को मिलके कहते कहते हैं हैं का होता उसको तो आपको पता चल गया होगा आपने अभी क्या सीखा तो जो ऊपर वाला डायग्राम है ये जस्ट एक यूनिट है ये क्या है तो ये एक यूनिट स्ट्रक्चर है जो आप लोगों ने देखा ओके टू चेन्स

इस तरीके से आप लोगों ने ये मायोसिन को समझ लिया है ठीक है हियर द टेल पॉइंट टूवर्ड्स एम लाइन इन सेंटर ऑफ द सार्कोमियर बात खत्म ओके okay, अभी ये तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लिया अभी

मायोसिन को एक्टिन के साथ जुड़ने में मदद करती है ठीक है एंड सी ओवर हियर प्रोजेक्टेड हेड अलोंग विद शॉर्ट आर्म इज कॉल्ड एज अ क्रॉस आर्म नेक्स्ट टेल की बात करते हैं द टू हेवी रैप स्पाइरली अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स दिस इलोंगेटेड पोर्शन ऑफ द कॉइल्ड हेलिक्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ मायोसिन टेल ओके बात एकदम क्लियर कट यहां पे पता चल चुकी है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दस द टेल HMM. मतलब एक्सक्लूसिवली जो आया है एक्सक्लूसिवली इसको दिमाग में ज्यादा प्रेशराइज मत कर लेना डर मत जाना इस वर्ड से बहुत सिंपल फॉर्म में बोल दिया है कि टेल जो होता है वो हैवी मेरोमायोसिन के नहीं बने हुए रहते हैं इट इज मेड अप ऑफ लाइट मेरोमायोसिन ठीक है

डायटिक रिप्रेजेंटेशन ओके दिस इज हाउक्न बट इट इज अ टेल तो टेल में आता है टू लाइट चेन्स ओके और यहाँ पे जो लाइट चेन है दिस इज रॉन्ग ओवर यर दिस शुड बी दिस इज वॉट द प्रॉब्लम इथ द डायग्राम आप लोग इसको तो फिलहाल के लिए निगलेट ही मारो दिल बी द बेटर वे फॉर यू ओके okay? और ये डायग्राम आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो चलो अभी ज्यादा नहीं सोचते बढ़ते हैं आगे विथ रेस्पेक्ट टू द फर्दर टॉपिक मायोफिलामेंट ओके okay? मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द एक्टिन लेकिन एक्टिन के साथ और भी कई सारी चीजें आएगी जैसे कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ऐसे सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे ठीक है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ट्रोपोनिन

तो मैं आपको सबसे पहले डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ फिर बाकी सारी बातें एकदम ईजी हो जाएंगी आपके लिए तो देखो एक्टिन जो होता है ना उसको बनने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है जैसे कि अगर मुझे बिरयानी पकानी है तो मुझे सबसे पहला बाकी सारी रेसिपी के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती है उन सारी चीजों को जमा करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसा ही कुछ एक्टिन को समझना है मतलब हम लोग को अगर थिन मायोसिन माओसिन सॉरी थिन मायोसिन क्या बोल रहा बोलो थिन मायोफिलामेंट को अगर समझना है तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा ठीक है तो देखो एक होता है जी एक्टिन जी एक्टिन यानी क्या ये सिंगल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे चलो एक को हाईलाइट करता हूं ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे जो अभी हाईलाइट किया है इसी को कहा जाता है जी एक्टिन ये क्या है ये इनको मोनोमर कहा जाता है वॉट आर दिस दिज आर मोनोमर ओके ये मोनोमर स्ट्रक्चर है ऐसे काफी सारे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो जिसको कहते हैं जी एक्टिन इनको मोनोमर कहा जाता है और ये मोनोमर जब आपस में यूनाइट होते हैं हेलीकली हो रहे हैं देखो आप लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ठीक तरीके से समझ लो ये कॉइल्ड है देखो अगर मैं यहाँ पे रफ डायग्राम के थ्रू अगर आपको दिखा पाया सो सी दिस इज इज हाउ इट पायाली कॉइल्ड ओके और ये नीचे से चेन आ रही है ओके okay? तो ये आप लोग ऐसे देखो इसको और समझने की कोशिश करो ओके okay? तो ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं और वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं फाइब्रस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ओके okay, तो इसको कहेंगे हम लोग पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन समझ में आ रहा है पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन यानी नथिंग बट एफ एक्टिन ओके वही आपस में जुड़ते हैं इनको जुड़ने के लिए भी चाहिए होता है मैग्नेशियम आयन एम जी टू प्लस की रिक्वायरमेंट होती है ये आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे ओके तो जी एक्टिन जो कि मोनोमर है ऐसे मोनोमर्स बहुत सारे आपस में जब जुड़ते हैं तो बनाते हैं पॉलीमर्स और इनको ये काम करने के लिए मैग्नेशियम आय की जरूरत पड़ती है फाइन ये हो गया आपका एक्टिन का एक्सप्लेनेशन अभी बात करते हैं ट्रोपोमायोसिन को लेके तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ट्रोपोमायोसिन ये ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है देखो दो ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपस में कॉइल्ड है हेलिकली कॉइल्ड है इनको कहा जाता है डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और There is a troponin. troponin troponin If you see that structure of troponin very clearly, there are three three balls together, three circular figure Okay, मतलब, troponin itself made up of three different types of troponins। Okay, अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे फिलहाल के लिए अगर आप लोग तीसरा डायग्राम देखोगे तो देखो एफ एक्टिन के साथ देखो ये नीचे एफ एक्टिन आ गया मतलब जो ऊपर polymer था वो पॉलीमर चेन नीचे आ गई ठीक है उस एफ एक्टिन के साथ मैं क्या बोल रहा हूं आपको ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ है मतलब देखो यहां पे आप लोग ये जो रिबन लाइक -like स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ये ट्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोमायोसिन ये भी कॉइल्ड है उसके साथ ठीक है अब इतना ही नहीं तो ट्रोपोमायोसिन के बाद देयर इज अ ट्रोपोनिन आल्सो यू कैन सी और वो ट्रोपोनिन के डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग्स भी दिए हुए हैं एक कहलाता है ट्रोपोनिन सी एक कहलाता है ट्रोपोनिन आई और एक कहलाता है ट्रोपोनिन टी अभी थोड़ी देर में हम लोग इसके फंक्शन को लेकर भी बात करेंगे फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर को समझ लो ओके तो ये जो तीन टाइप के ट्रोपोनिन हैं और साथ में ट्रोपोमायोसिन और साथ में एफ एक्टिन इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है थिन मायोफिलामेंट ओके क्या बोला जाता है पूरे स्ट्रक्चर को थिन मायोफिलामेंट अब मेरी बात को ठीक तरीके से समझो अगर देखो अगर मैं बोलूं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसके ऊपर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारी एक्टिन की एक्टिव साइट्स बनने वाली है सो so ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये हमारा एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन है ठीक है एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन है मतलब क्या मायोसिन का जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है वो इसी डॉट के साथ जुड़ने वाला है मतलब इसी के साथ बॉन्डिंग बनाने वाला है मतलब ये एक्टिन पे हमारा मायोसिन हेड आके जुड़ेगा ओके okay? तब जाके क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा क्रॉस ब्रिज का मतलब क्या है Head fuses with the आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ रहेगा की तो मायोसिन उसके साथ जुड़ सकता है अगर मायोसिन उसके साथ जुड़ सकता है मतलब मसल कॉन्ट्रेक्शन होने के लिए रेडी है

आप लोगों को किसी चीज मतलब घर में ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट की जरूरत है आप लोगों ने ट्यूबलाइट ऑन की अगर मान लो जरूरत नहीं है तो आपने लाइट बंद कर दी सिंपल सी बात है तो जब मसल कॉन्ट्रेक्शन करना होगा तो एक्टिन के एक्टिव साइट्स को एक्सपोज होना पड़ेगा ठीक है मतलब क्या ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन को अपने जगह से थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा सो दैट एक्टिन के एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगे और मायोसिन का जो हेड है वो एनर्जी यूज करेगा एटीपी और फिर बाइंड करेगा एक्टिन के एक्टिव साइट्स के साथ और तब जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ठीक है क्लियर है यहां तक अभी एक्सप्लेनेशन के पास जाते हैं ये पूरा ड्राइंग तो काफी इजी है समझने के लिए अभी एक्सप्लेनेशन आप जैसे पढ़ोगे आप और सुनोगे लेक्चर को भी साइमल्टेनियसली तो आपको सारी बातें एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगी तो देखो एक्टिन क्या लिखा है इज अ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन एंड हैज लो मॉलिक्यूलर वेट तो सबसे पहले एक्टिन का मॉलिक्यूलर वेट जो है ये लो है और ये स्ट्रक्चर वाइज कैसा है तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है ठीक है इट ऑकर्स इन टू फॉर्म्स मोनोमेरिक फॉर्म

इट इज अ अब मॉलिक्यूल दिखता ही है लाइक स्ट्रक्चर -like जैसा ओके व्हिच अटैचेस टू द एफ एक्टिन इन द ग्रूव बिटवीन इट्स फिलामेंट्स ग्रूव्स यानी एक ऐसी जगह कह सकते हो ओके okay, जहां पे ये एफ एक्टिन के मॉलिक uh, uh, मतलब सॉरी ये जो ग्रुप है ये एफ एक्टिन के ऊपर है और वहीं पे ये फाइब्रस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जुड़े हुए रहते हैं ठीक है इनसाइड द डिप्रेशन एरिया और इन द ग्रुप एरिया भी कह सकते हो ठीक है नेक्स्ट इन द रेस्टिंग स्टेज द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स रेस्टिंग का पीरियड का मतलब क्या है जब मसल कॉन्ट्रेक्शन नहीं चल रहा है ठीक है तब बात चल रही है रेस्टिंग स्टेज ओके द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स आर बिलीव्ड एक्टिवसाइड्स मैंने कहा था एक्टिवसाइड्स के बारे में ठीक है एक्टिन का एक्टिव साइड्स है तो उसको बंद करके रखा है मतलब एक्सपोज नहीं है क्यों क्योंकि ट्रोपोमायोसिन उसके ऊपर बैठा हुआ है कब जब रेस्टिंग स्टेज की बात चल रही है मतलब को नहीं करना है ओके चलो ऑफ द एक्टिन स्ट्रैंड सो डेट द कैन नॉट ऑकर बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन टू कॉस कॉन्ट्रेक्शन अगर एक्टिन के एक्टिव साइड को बंद कर दोगे तो एक्टिन एंड मायोसिन के बीच में कॉन्ट्रेक्शन होने का चांस ही नहीं है एट्रैक्शन होने का चांस ही नहीं है ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोपोनिन को लेके जैसे कि हम लोगों ने देखा था डायग्राम में कि वो तीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का बना हुआ रहता है मतलब तीन पॉलीपेप्टाइड चेंज का बना हुआ रहता है इन शॉर्ट दीज आर प्रोटीन ओनली ओके तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोनिन टी को लेके जिसको टीपीटी -टी भी कहते हैं ओके बाइंड्स टू द ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोमायोसिन जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा और इतना ही नहीं तो ये अदर टू ट्रोपोनिन कंपोनेंट्स के साथ भी जुड़ा हुआ है अदर टू का मतलब क्या है अभी इनके साथीदार कौन है कि ये टीपीआई दैट इज द ट्रोपोनिन आई ओके एंड द टीपीसी जिसका मतलब है ट्रोपोनिन सी मतलब क्या ऊपर वाला जो ट्रोपोनिन है वो ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में वो जुड़ा हुआ है ट्रोपोमायोसिन के साथ ओके okay? ये एक जैसे साउंड करने वाले शब्द हैं लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होना ओके ठीक तरीके से सुनो लेक्चर को ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ डायग्राम्स को देखते रहना तो वीडियो को थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करके मतलब पीछे लेके थोड़ा सा एक और बार सुन लेना ठीक है समझ में आ जाएगा नेक्स्ट अभी ट्रोपोनिन आई के बारे में बात करते हैं आई स्टैंड फॉर द इनिबिट ओके क्या करता है इनिबिट तो देखो इनिबिट क्या करता है ये द एफ एक्टिन मायोसिन इंटरक्शन और इतना ही नहीं, तो वो F -actin -myosin के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसको अट्रैक्ट होने नहीं दे रहा है माओसिन के साथ ओके ये भी आपको ध्यान में रखना है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको इसको तो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देनी है क्योंकि इसका नाम है ट्रोपोनिन सी और सी स्टैंड फॉर द कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड क्या काम है इसका ये कैल्शियम के साथ बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स अब मेरी बात सुनो अगर आपको किसी के किसी भी लॉक को ओपन करना है तो उसकी एक स्पेसिफिक की की जरूरत होती है ओके जैसे कि हर एक एंजाइम एक स्पेसिफिक एंजाइम के नाम से पहचाना जाता है For example, अगर मुझे तोड़ना है तो मुझे चाहिए। अगर मुझे को करना है तो मुझे मुझे चाहिए। ठीक है? है, वैसे, अगर मुझे मसल करना है, और मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए मुझे कैल्शियम आय चाहिए और वो कैल्शियम आयंस क्या करते हैं तो वो कैल्शियम आय ट्रोपोनिन के साथ जुड़ते हैं मतलब ट्रोपोनिन जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें से ट्रोपोनिन सी के साथ जुड़ते हैं क्योंकि यही बंदा जो है ये कैल्शियम को अपने पास बुला लेता है ओके और जैसे ही कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन के साथ जुड़ जाते हैं तो ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन जो है वो अपने जगह से शिफ्ट हो जाते हैं अब मेरी बात को समझो अगर ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन अगर अपनी जगह से हट रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है एक्टिव ऑफ द एक्टिन जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं और तब जाके मायोसिन विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स द एक्टिन दोनों में बॉन्डिंग होगा ओके okay? एनर्जी का यूज होगा यहाँ पे और फिर बाकी का मसल कॉन्ट्रेक्शन का प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ओके दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक तो देखो अभी यहाँ पे द स्ट्रॉग एफिनिटी ऑफ द ट्रोपोनिम फॉर कैल्शियम आय इज बिलीव्ड टू इनिशिएट द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस समझ में आया यही बात मैंने आपको हिंदी में समझा दी ठीक है नाउ लेट्स मूव अहेड विद रिस्पेक्ट टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन तो देखो यहाँ पे फंक्शंस को लेकर बात करते हैं जैसे कि स्ट्राइटेड मसल स्ट्राइटेड मसल आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल विल ओके हमारे विल पावर के ऊपर ये लोग काम करते हैं हम चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा हम चाहेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा ठीक है मतलब वॉलेंट्री एक्शन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे ठीक है ना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैल्शियम आयन तो चाहिए बिना कैल्शियम आयन के मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती ये सारी बातें आपको पता चल चुकी है ठीक है देखो कैल्शियम इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स है कि नहीं चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यानी क्या? Actin plus myosin का cross -bridge बनना, ओके? Okay? आपस में जुड़ना, which causes a contraction of the muscles. अब actin -myosin तो जुड़ चुके हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसीजर को भी अभी समझने का टाइम आ गया है ओके okay? तो फिलहाल जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होता है तभी क्या क्या चीजें होती है चेंजेस होती है वो समझने का

और पैरविक एसिड जो होता है ये आया कहाँ से तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करोगे आप लोग किसमें पैरविक एसिड में बात को सुनो ठीक से ग्लूकोज जब टूटता है तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है पैरविक एसिड मतलब कौन सा प्रोसीजर हुआ आप लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़ा है मतलब ग्लाइकोलाइसिस हुआ अब ग्लाइकोलाइसिस जो हुआ उसमें ग्लूकोज टूटा पैरविक एसिड में लेकिन ये रेस्पिरेशन हो रहा है जो कि मसल्स में हो रहा है तो लास्ट प्रोडक्ट पैरविक एसिड नहीं होता क्योंकि पैरुविक एसिड जो है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है एन एरोली इन द लैक्टिक एसिड और ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल्स में अक्यूमलेट होता है लेकिन फिलहाल के लिए वो बात नहीं चल रही है फिलहाल देखो यहाँ पे क्या हो रहा है

ओके okay, तो यहाँ पे क्या हो रहा है केमिकल एनर्जी होती जो है वो चेंज हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन ओके नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन जो मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है बट बहुत छोटे समय के लिए वो उनके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अभी आप लोगों को सो so, एक है आईलिड आप लोगों को तो पता ही होगा आंखें बंद चालू होती रहती है तो आईलिड जो है ये सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन माना जाता है ठीक है सबसे छो, छोटे समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ठीक है और इसके अलावा जो ठंडी में आपको जो शिवरिंग होता है ना तो शिवरिंग इज आल्सो कंसीडर एज अ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स क्यों ताकि ये जो है ये हीट प्रोड्यूस कर सके और आपको अच्छा फील हो सके फाइन अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आप लोगों ने सारी बातें तो सीख ली एक्टिन मायोसिन जो है उसका ब्रिज फॉर्मेशन होता है वहां तक तो आप लोगों ने समझा अब ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद क्या होना है है ना ये बात तो आपको समझना है तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा सबसे पहले एक डायग्राम के ऊपर पहले आप डायग्राम को समझोगे फिर बाकी की बात करेंगे ये तो डायग्राम है ही इम्पोर्टेंट लेकिन एक आपको बेस्ट डायग्राम दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक सेकंड उसके लिए रुको हाँ, तो ये मैं डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अब आप इस डायग्राम को ठीक से देखो कि होने वाला क्या है 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 ओके ओके ये वही डायग्राम है जो आप लोग ऑलरेडी देखते आ रहे हो एक्टिन मायोसिन नीचे ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है बीच में उसको मायोसिन कहते हैं ऊपर जो है ये एक्टिन है और बीच में जो लाइन होती है उसको एम लाइन कहते हैं यहाँ तक आपको पता है ओके अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मायोसिन का जो हेड है वो जाके चिपकेगा एक्टिन के मॉलिक्यूल्स के साथ मतलब एक्टिव साइड ऑफ द एक्टिन के साथ सी क्या लिखा है स्टार्टिंग हियर द मायोसिन हेड इज बाउंड टू एटीपी एंड एंड इज इन इट लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन अभी यहाँ पे जो थिन फिलामेंट वगैरह सारी बातें लिखी हुई है और नीचे थिक फिलामेंट लिखा हुआ है मतलब क्या थिक फिलामेंट यानी मायोसिन और थिन फिलामेंट यानी एक्टिन मतलब जो ऑरेंज कलर में है वो एक्टिन है और जो ब्लू कलर में है यहाँ पे वो मायोसिन है ठीक है अब क्या हो रहा है कि मायोसिन ने एनर्जी यूज की है क्या यूज की है एनर्जी दैट इज एटीपी और क्या किया उसने एक्टिन के साथ जुड़ गया मतलब क्या एक्टिव ऑफ एक्टिन के साथ जुड़ गया मतलब क्या हो रहा है एक्टिव ऑफ द एक्टिन जो थे वो कैसे एक्सपोज हो गए क्योंकि कैल्शियम आयन रिलीज हुआ अब ये कैल्शियम आयन अगर मुझे रिलीज करना है अगर ये मुझे कैल्शियम आयन रिलीज करना है और इसके वजह से एक्टिव साइड्स ऑफ द एक्टिन को अगर एक्सपोज होना है तो ये कैसे पॉसिबल है मान लो यहाँ पे ये जो आपका हैंड है ठीक है इस हैंड के ऊपर मैंने क्या किया चिमटी काट दिया ठीक है मैंने क्या किया स्टिमुलस क्रिएट किया चिमटी काटा तो वो क्या करेगा वो सीधा सेंस ऑर्गन से रन करेगा CNS तक किधर रन करेगा CNS तक रन करेगा और फिर CNS भी तो कमांड देगा ना तो CNS ने जो कमांड दिया वो कोई भी वो चाहिए तो वो राइट हैंड पे जा सकता है या तो फिर वो लेफ्ट हैंड के ऊपर मतलब जिस हाथ हाथ के ऊपर जो चिमटी काटी है वो हाथ अगर उड़ाना रहेगा मतलब ऐसे एक्शन करना रहेगा चिल्लाओगे ना तुम लोग अरे बहुत जोर से चिमटी काटा करके तो ऐसे एक्शन करोगे ठीक है तो वो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे कौन से न्यूरॉन्स काम करते हैं तो मोटार न्यूरॉन्स काम करते हैं कौन से न्यूरॉन्स काम करते हैं मोटर न्यूरॉन काम करते हैं मोटर ओके okay? और ये जो इम्पल्स जो सेंस ऑर्गन से लेके सीएनएस तक गए इसके लिए सेंसरी न्यूरॉन्स काम करते हैं अभी के लिए तो मैं खाली बोल रहा हूँ एस एन लिख देता हूं आप लोगों के लिए देखो इम्पल्स वेन रन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द एन एस इट रन थ्रू द सेंसरी न्यूरोन एंड वेन सी एन एस अंडरस्टैंड एंड गिव अ कमांड ओके या फिर वो एक एक्शन करने के लिए जो कमांड भेजता है वो आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी ऑर्गन के पास या फिर सेंसरी रीजन के पास जहाँ पे वो एक्शन को कंडक्ट करना है ठीक है और ये पूरा अभी इसको समझो तो वो जो मोटर न्यूरॉन है जो इम्पल्स लेके आया वो अपना इंपल्स मसल के ऊपर रिलीज करेगा किधर रिलीज करेगा मसल के ऊपर रिलीज करेगा ठीक है और मसल को समझ जाएगा कि आगे करना क्या है आगे कॉन्ट्रेक्शन करना है ठीक है अब कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए ये जो इम्पल्स थी इसको कहा जाना पड़ेगा इस इम्पल्स को जाना पड़ेगा एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक के के पास के पास क्यों जाना है क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेडिक्युलम जो होता है इसके पास बहुत सारा कैल्शियम आयन होता है और हमको मसल कॉन्ट्रेक्शन करना है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम आयन तो चाहिए ना तो ये जो कैल्शियम आयन होता है ये रिलीज कर दिया जाता है ओके okay, वेन Stimulus stimulus trigger to to the 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 sarcoplasmic sarcoplasmic reticulum. reticulum, When it releases calcium calcium ions ions in the muscles. These के साथ बाइंड होते हैं खास करके कौन सा ट्रोपोनिन तो ट्रोपोनिन सी करके जो हम लोगों ने पढ़ा वो कैल्शियम के पास ज्यादा एफिनिटी दिखाता है तो कैल्शियम एंड ट्रोपोनिन आपस में जुड़ जाते हैं अब तुमको पता है कि ट्रोपोनिन तो जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये जुड़ा हुआ है हमारे मायोसिन के साथ ओके कौन सा मायोसिन ट्रोपोमायोसिन के साथ तो ट्रोपोमायोसिन जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन जब कैल्शियम के साथ बाइंड होकर शिफ्ट हो जाते हैं तो हमारी एक्टिव साइट्स ऑफ द एक्टिन जो होती है ये एक्सपोज हो जाती है ना इसके वजह से ये मायोसिन जो है ये बंदा अभी समझ जाता है कि एक्टिन का जो एक्टिव साइट्स है वो एक्सपोज हो चुका है तो वो एनर्जी यूज करके एक्टिन के साथ बाइंड हो जाता है। तो देखो यहाँ पे diagram, diagram को देखो मायोसिन तो का हेड इनिशियली ऐसे लोअर लेवल पे है और जब वो एनर्जी यूज करेगा तो उसका हेड क्या हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे उठ जाएगा और जैसे हेड जो है वो अगर ऐसे इरेक्ट हो जाएगा तो ऊपर जो एक्टिन फिलामेंट होता है उसके साथ वो जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है एक्टिन मायोसिन का ब्रिज फॉर्मेशन तो यही सेम डायग्राम आप लोग यहाँ पे फिगर नंबर थ्री पे देखोगे ओके तो देखो यहाँ पे जो है ये जुड़ चुका है मायोसिन का हेड एक्टिन के एक्टिव साइड्स के साथ जुड़ चुका है तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं क्रॉस ब्रिज कहते हैं ओके वंस दिस हैपेंस अभी थोड़ा सा जो रिमेनिंग एनर्जी होती है वो एटीपी की रिमेनिंग एनर्जी जो होती है ये मायोसिन का हेड क्या करेगा इस एक्टिन को पुश करेगा टूवर्ड्स समझ में आ रही है बात तो एम लाइन के पास इसको पुश करेगा तो आप लोग देख रहे हो हेड आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा है आगे यानी क्या लेफ्ट साइड मूव कर रहा है ऐसे समझो कि बीच में जेड लाइन है सॉरी uh, बीच में एम लाइन है क्या समझना है हमको कि बीच में देर इज अ प्रेजेंस ऑफ एम लाइन और यहाँ पे मैं बना देता हूँ जेड लाइन ये रही जेड लाइन और यहाँ पे भी मैं बना देता हूं जेड लाइन ठीक है और ये एक्टिन है तो यहाँ पे बीच में है एम लाइन से होते हुए देर इज प्रेजेंट, ओके ये मायोसिन है तो मायोसिन इसके साथ जुड़ चुका है अब ये जो एक्टिन है ऊपर ये जो जेड के ऊपर यहाँ पे जो एक्टिन है इसको पु, पुल किया जाएगा टूवर्ड्स द एम लाइन बात समझ में आ रहा है मेरे एरो के पास फोकस करो यू विल अंडरस्टैंड तो एक्टिन को अंदर की तरफ खींचना है ठीक है एम लाइन की तरफ तो सेम थिंग फ्रॉम द

ये तो नॉर्मल डायग्राम है देखो यहाँ पे जेड लाइन है ओके दीज आर टू ये बीच में लाइन आप लोग देख रहे हो फाइन फिर ये जो छोटा सा जो स्ट्रक्चर है सेंटर में उसको हम लोग कहते हैं एच जोन फिर आता है तुम्हारा ये जो थिक बैंड है उसको हम लोग कहते हैं थिक माओफिलामेंट यानी क्या मायोसिन और ये जो छोटी छोटी पतली पतली लाइंस जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो व्हाट आर दिस दिज आर आवर एक्टिन ओके, okay, हम लोग जिसको कहते हैं और ए बैंड क्या है तो कंप्लीट मायोसिन मायोसिन का जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देख रहे हो यहाँ पे एरो का इंडिकेशन दिख रहा है तो दीज आर स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड दिस एम लाइन ओके और अभी आप नीचे देखो तो एकदम से सारी बातें जो है एकदम क्लोज आ चुकी है देखो सारे एक्टिन के ये जो इतना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिन आप लोग बाहर देख रहे हो अब पे नहीं देखने मिल रहा है क्योंकि देखो ये जेड लाइन यहाँ पे है है ना समझ में आ रही है बातें जेड लाइन यहाँ पे है और इसके थ्रू आपको क्या समझ में आता है कि कम्प्लीटली एक्टिन को दोनों तरफ से खींच के एम लाइन के पास लेके आया है ओके जैसे ही ये होता है ये जो बीच की जगह होती है वो कम्प्लीटली सार्कोमियर जो होता है वो छोटा हो जाता है इसका मतलब समझना होता है कि हमारा जो है मसल वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ओके okay? तो एक्टिन जो है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड हो रहा है क्योंकि मायोसिन उसको स्लाइड करवा के ले रहा है ठीक है दैट इज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रीजन ओके फ्रॉम दिस डायग्राम तो अभी हम लोग थियोरी को समझेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स जो होते हैं इन्होंने काम किया है मतलब टोटल चार साइंटिस्ट हैं लेकिन हम लोग उसको दो ग्रुप बोलेंगे क्योंकि हक्सले एंड रैल्फ नाइडरजर्क द वन ग्रुप ओके इन द ईयर ऑफ नाइन एच ई हक्सले एंड जीन जीनसन इन द ईयर ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फोर द अनदर ग्रुप तो इन दोनों ने मिलकर काम किया है ओके okay? ये दो ग्रुप लोगों ने मिलकर काम किया है और फिर प्रपोज किया है स्लाइडिंग फिलामेंट थे अब देखो इसको द एसेंशियल फीचर ऑफ दिस आर एस फॉलोस

ओके एच जोन का जो एरिया है वो फाइनली गायब हो जाएगा वेन कंप्लीट मसल कॉन्ट्रेक्शन टेक्स प्लेस ओके और आई बैंड जो होता है आई बैंड यानी क्या कंप्लीट बैंड्स वो अंदर की तरफ पुल करते ना इसलिए हम लोग उसको कहते हैं कि आई बैंड इज आल्सो गेट इन शॉर्टर तो आई बैंड की की साइज साइज हो हो जाती है, हो जाती है है बैंड भी या तो तो फिर वो तो सीधा गायब हो जाता है ठीक है तो ये दोनों बातों को आपको ध्यान से समझना है ओके क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे की जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो कौन से रीजन जो है वो छोटे हो जाते हैं कौन से बैंड है जो छोटे हो जाते हैं तो तुम्हारा आंसर रहेगा आई बैंड जो है वो शॉर्ट हो जाता है एच बैंड या तो गायब हो जाएगा या तो शॉर्ट हो जाएगा ठीक है तो ऐसे आपको याद रखना है नेक्स्ट स्टेप नंबर टू को देखो द सार्कोमियर शॉर्टन बट लेंथ ऑफ द थिन एंड थिक फिलामेंट जो माओफिलामेंट है डू नॉट चेंज लेकिन फाइनली वो चेंज होता है ओके द क्रॉस ब्रिज ऑफ द थिक मायोफिलामेंट द क्रॉस ब्रिज ऑफ द थिक मायोफिलामेंट यानी क्या माओसेन ओके कनेक्ट विद द पोर्शन ऑफ एक्टिन बाय द मतलब एक्टिन के साथ जुड़ रहा है ओके एक्टिव साइट्स ऑफ द थीन मायोफिला क्या बोल रहा था मैं उल्टा बता दिया थिक मायोफिलामेंट जो है वो मूव करवा रहा है थिन मायोफिलामेंट को ओके okay, ये आपको ध्यान में रखना है एंड द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट स्लाइड पास्ट ईच अदर मतलब इन शॉर्ट वही हो रहा है

किस बात को है, है ना सारी बातें आराम से याद हो गई तो देखो अब ये साइज ऑफ द आई बैंड ऑल्सो डिक्रीजेस जैसे कि मैंने आपको बता दिया थिक एंड द थिन मायोफिलामेंट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन ओके इन अ रेस्टिंग मसल फाइबर द outside of ऑफ द is positively इज पॉजिटिवली चार्ज विद the. टू द मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है जब रेस्टिंग पोजिशन की बात करेंगे हम लोग जब रेस्टिंग पोजिशन की बात करते हैं तो सारी पॉजिटिव चार्ज होती है बाहर के साइड में कौन सी चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज होती है और अंदर के साइड में क्या होती है नेगेटिव चार्जेस होती है ये कब होता है जब हम लोग रेस्टिंग रेस्टिंग मसल फाइबर के बारे में बात करते हैं यानी रेस्टिंग पोजीशन की बात करते हैं मतलब अभी तक कोई कॉन्ट्रेक्शन करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो जब ये इम्पल्स आती है और इम्पल्स आने से क्या होता है एक पोटेंशियल डेवलप्ड होता है ना एक एनर्जी डेवलप्ड होती है जिसके वजह से क्या होता है अब ये देखो ये रेस्टिंग पोजिशन है ये पोलराइज माना जाता है इसको क्या बोला जाता है पोलराइज मेम्ब्रेन मानी जाएगी लेकिन मान लो स आ गया यहाँ पे टच कर गया इसका मतलब क्या है पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज बाहर हो जाएंगे और एक और बात ध्यान रखना कि ये जो होता है बाहर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं मैक्सिमम वो बिकॉज ऑफ सोडियम चैनल होते हैं और अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो बिकॉज ऑफ द पोटेशियम के वैसे होते हैं ठीक है लेकिन सोडियम क्या होने लगते हैं जब इम्पल्स आती है तो सोडियम अंदर मूव करने लगता है और पोटेशियम जो है वो बाहर मूव करेगा ओके okay, इस तरीके से क्या हो जाता है पूरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और पोलराइजराइज से हो जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्जेस मूव इन इनसाइड एंड द पोटेशियम मूव्स आउटसाइड ओके तो देखो इट इज मेंटेन बाय द सोडियम एंड द पोटेशियम आयन सोडियम प्रीडोमिनेट ऑन द आउटसाइड ऑफ द सर्कोलेमा जैसे कि मैंने कहा सोडियम बाहर होते हैं एंड पोटेशियम आयन जो होते हैं इट इज प्रीडोमिनेट ऑन द इनसाइड ठीक है तो सोडियम आयंस आर पंप्ड आउटसाइड एंड द पोटेशियम आयंस एंटर इनसाइड बोथ बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो इनको जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मतलब क्या एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है ओके अगर सोडियम पोटेशियम पंप को काम करना है मतलब एनर्जी पंप करना पड़ेगा ओके द प्रोसेस ऑफ मूविंग द आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कॉल्ड इज अ सोडियम पंप देखो अभी जस्ट मैंने कहा या फिर पोटेशियम पंप या फिर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कहा जाता है ये कब देखो इनिशियल लेवल पे सोडियम आयंस अंदर आते हैं जब डीपोलराइजेशन की बात चलती है

बाहर पॉजिटिव होता है आफ्टर आफ्टर मतलब एक्शन पोटेंशियल तो आप लोग को पता चलता है कि बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो पोटेशियम वजह से है तो क्या होता है इस चीज को करेक्ट करना पड़ता है कि बाहर होना चाहिए सोडियम और अंदर होना चाहिए पोटेशियम तो इस चीज को करेक्ट करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वो मदद करते हैं ओके तीन सोडियम को बाहर भेजा जाता है और दो पोटेशियम को अंदर लिया जाता है ओके आपको ये सारी बातें समझ में आएगी जो हम लोग न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे ठीक है तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सोडियम पोटेशियम चैनल जो है वो किस तरीके से काम करते हैं ऑलरेडी तो आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाएगा ठीक है तो अभी यही सारे सिनारियो को बहुत अच्छी तरीके से अभी ये वाले टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया है कौन सा टॉपिक इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स इन द मसल कॉन्ट्रेक्शन तो देखो यहाँ पे क्या है अभी चीज एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएंगे देखो नव रिपल्स आया रीचेज द टर्मिनल एंड ऑफ द एग्जॉन मतलब क्या ये जो एग्जॉन एंड बल्ब होता है ना तो वो मसल के कॉन्ट्रैक्ट में मसल के कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा और मसल के ऊपर देखो जैसे कि ये एग्जॉन एंड बल्ब है और ये नीचे मसल है तो इम्पल्स क्या हुई ये न्यूरॉन से आई और मसल्स के ऊपर गई ठीक है तो यही सारी बातें यहाँ पे चल रही है देखो स्मॉल सैक ऑफ द कॉल्ड अ सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूजेस विद द मोटर न्यूरोन तो से तो एक केमिकल हॉर्मोन मतलब केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है ओके इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम दिखा देता हूं देखो यहाँ पे

वो रन करने लगता है ठीक मतलब कि मसल को अभी इम्पल्स मिल चुका है और वो इम्पल्स एंडोप्लाम के पास कैल्शियम आयन रिलीज करने के लिए ठीक है लेकिन ये जो इम्पल्स यहाँ से आती है तो ये इम्पल्स क्या करती है सबसे पहला कैल्शियम आयन को अंदर भेजती है ओके मतलब कैसे तो अभी इसको समझो ये जो एग्जोन एंड बल्ब होता है इसके ऊपर कैल्शियम के चैनल्स होते हैं तो जब न्यूरॉन में से यहाँ से आयंस कुछ यहां से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही क्या करते हैं तो इन वेसिकल्स को बताते हैं कि भाई तुमको अभी रिलीज करना है न्यूरो तो वेसिकल मूव करते हैं टूवर्ड्स दिस में क्या है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं इसको तो यहाँ पे आता है वो वेसिकल डिफ्यूज होता है मतलब और सारे न्यूरो को यहाँ पे सिनेप्स में छोड़ा जाता है तो वो जो न्यूरो रिलीज होता है वो वहां के प्रेजेंट हुए वाले के साथ होते है। जैसे ही के साथ हो जाता है, वो न्यूरो करवाता है मसल के सार्कोलेम्मा के ऊपर जब मसल के सार्कोलेमा के ऊपर इम्पल्स रन करता है तो वो एंटर कर जाता है टी ट्यूबुल्स के अंदर और टी ट्यूबुल्स क्या करवाते हैं उस इम्पल्स को रिलीज करवाते हैं

तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है एसिटाइल कोलिन डिफ्यूज अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट स्पेस बिटवीन द एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड द मोटर एंड प्लेट ठीक है एंड बाइंड टू द रिसेप्टर साइट ऑफ द मोटर एंड प्लेट जब एक पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा मतलब सारे सोडे मायंस जो थे अब वो बाहर से अंदर आए थे ठीक है एक्शन पोटेंशियल जब एक पर्टिकुलर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तब हमको ऐसा समझना है की बाहर के सारे सोडे मायंस अंदर जा चुके थे ठीक है आफ्टर दिस एन एंजाइम कोलिनज जो होता है ये भी सिनेप्स के अंदर ही होता है कोलिन एस्टरेज एंजाइम होता है ये सिनेप्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है ओके प्रेजेंट अलोंग विद रिसेप्टर साइड ऑफ द एसिटाइल कोलिन ओके okay, जहां पे ये रिसेप्टर बाइंड होते हैं मसल्स के साथ उसी साइड में मतलब इन शॉर्ट इन सिनेप्स ओनली द कोलिन एस्टरेस एंजाइम इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एसिटाइल कोलिन जो होता है ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए इसलिए ये एस्टरेस एंजाइम काम करता है ये क्या करता है एसिटाइल कोलिन को ब्रेकडाउन करता है इन एसिटेट एंड कोलिन मेरी बात को ठीक से समझो जब वेसिकल्स के पास इम्पल्स आया था और वेसिकल्स ने न्यूरो रिलीज किया एसिटाइल अब जितना एसिटाइल चाहिए था वो मसल्स ने यूज कर लिया ओके okay? इम्पल्स ट्रेवल करने के लिए लेकिन बाकी का जो एसिटाइल कोलिन बचा रहेगा उसको वेस्ट नहीं करते उसको विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कोलिन प्रेजेंट इन द सिनेप्स ओनली ये ब्रेकडाउन करता है एसिटेल कोलिन को एसिटेट एंड कोलिन में और कोलिन जो होता है सी उसको वेस्ट नहीं करते ताकि वो बाकी के जो नए इम्पल्स आएंगे उनके समय पर यूज कर सकेंगे अब देखो एंड एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स पासस फ्रॉम अ मोटर एंड प्लेट ओवर द सर्कोलेमा अब मसल ये सारी बातें तुमको पता चल गई कि मैंने बोला तुम लोगों को जो इम्पल्स रन की थी मसल सार्कोलेमा के ऊपर वो अब सार्कोलेमा के ऊपर टी ट्यूबुल्स होते हैं टी ट्यूबुल्स उस मसल इम्पल्स को लेंगे और फिर देंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोम्पल्स ट्रिगर करेगी तो वो क्या करेगा कैल्शियम आयंस तो रिलीज करेगा ही ना तो ये कैल्शियम आयंस रिलीज हुआ ठीक है अब देखो कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रक्शन बाकी थेरी तुमको पता है कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन कॉजिंग द चेंज इट शेप एंड पोजिशन दिस इन टर्न्स अल्टर द शेप एंड पोजिशन ऑफ द ट्रोपोमायोसिन टू विच द ट्रोपोनिन बाइंड मतलब इन शॉर्ट ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन हट जाएंगे

एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा मतलब एनर्जी को यूज करेगा सम एमाउंट ऑफ द एनर्जी विल बी यूज टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज एंड समाउंट ऑफ द एनर्जी टूवर्ड्स एंडोमियर विल गेट रेड्यूस इन साइस ओके तो यही आपको यहाँ पे दिखा के रखा है एटीपी कैसे ब्रेक डाउन होता है माओसिन में होता है, ATP ATP को तोड़ता है also, और एनर्जी भी रिलीज होगा और इसी एनर्जी को यूज किया जाएगा कॉन्ट्रेक्शन के लिए ओके द एनर्जी ऑफ द इज एनर्जाइज द मायोसिन क्रॉस ब्रिज टू बाइंड एक्टिन वही सारी बातें यहां पे रिपीट हो रही है ठीक है सो आई विल डायरेक्टली गो टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आगे हो रहा क्या है देखो बट दीड ऑफ दैंड रिमेन कॉन्स्टेंट ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो ये सारी डायग्राम जो थी ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अब ये तो इम्पोर्टें पैराग्राफ तो है नहीं फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली लेके जाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक अवर फॉर द डे सेशन मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से तभी हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन ठीक है तो यहां से हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा तब तक के लिए जस्ट कीप रीडिंग योर एनसीआर टेक्स्ट बुक ओके बाय बाय एंड टेक केयर